दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी 11 मार्च 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज कर दी गई है और ये फिल्म रिलीजिंग डेट के पहले ही दिन से खूब ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों ने अपनी दमदार और धुआंधार एक्टिंग से इस फिल्म को सुपरहिट बनाने का काम किया है। तभी तो दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और अपना अलग ही रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहीं अब शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने भी द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद अपने अलग अलग रिएक्शन दे डाले हैं। जी हाँ, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के रिएक्शन के बारे में ही बताएंगे कि आखिरकार इन दोनों ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद अपने क्या रिएक्शन दिए हैं। पर उससे पहले आप द कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में पति पत्नी के किरदार को निभाते हुए नजर आए थे और इस सीरियल में नायरा और कार्तिक के किरदार को निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी थी। दोनों ने अपने किरदार से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तभी तो दर्शक इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते हैं और अपना खूब प्यार देते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभिनेता मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद अपने अलग ही रिएक्शन दिए हैं, जहां शिवांगी जोशी ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद कहा कि इस फिल्म में शारदा नाम की महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। फिल्म में उस महिला के साथ काफ़ी बुरा और भद्दा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि लास्ट में तो उसकी जान तक ले ली जाती है। इस तरह से शिवांगी जोशी ने कहा कि सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म ने तो सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब बात करते हैं अभिनेता मोहसिन खान के बारे में। तो आपको बता दें कि अभिनेता मोहसिन खान ने भी द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद अपने रिएक्शन देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, जिन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि इस फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा और भद्दा व्यवहार किया गया है और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया था, साथ ही उन्हें खाने पीने तक की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, वो सब दिल दहला देने वाला है। इस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ उन्हें अत्याचार नहीं करना चाहिए था, जिनके इस रिएक्शन को सुनकर सभी हैरत में पड़ गए हैं। और मोहसिन खान ने ये भी कहा है कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों को अंदाज़ा तो लगना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ था। तो दोस्तों, आप शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिएक्शन के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।